जनसेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया और कहा, पुलिस के संरक्षण में गायों की तस्करी के काम को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस कभी भी गायों को बूचड़ खाने ले जा रहे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। जनसेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता ने बताया कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, जो कि राजनांदगांव की सीमा से लगा हुआ जिला है, वहां हजारों की संख्या में गायों को एकत्रित कर उन्हें बूचड़खाना भेजा जा रहा है। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तब वो अपने साथियों के साथ गायों को छुड़ाने के लिए पहुंचे। इसकी सूचना बकायदा वहां के कोरचे थाना प्रभारी को दी गई, परंतु उन्होंने गाय तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई नहीं हुई तब इसकी शिकायत करने के लिए हम लोग नागपुर पहुंचे। तब कोरचे पुलिस को इसकी भनक लग गई और वो नागपुर पहुंच गई एवं हमें प्रताड़ित कर, मारपीट कर, झूठे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोरचे और कोटगुलम क्षेत्र में गायों की लगातार तस्करी की जा रही है। मवेशी का काम करते हैं, उसको थाने से गुप्त रखा गया है, उसको सुधार गाड़ी लगाना। और जब हमारा शिनाख्ती होने के लिए आया, पहले तो हमको सूचना दिया गया कि जिससे मारपीट हुआ है वो मर गया। आप कहाँ हैं? मैं यही राजनांदगांव में कहाँ? कमला कॉलेज। आपका क्या नाम? राजेश सोने। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।